नमस्कार दोस्तों, भगवान भोले शंकर के बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं कि जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर को नीलकंठ, गंगाधर, शिव शंभू के नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार व्रत कैसे किया जाए, इस व्रत के नियम क्या हैं और यह व्रत आपको क्या फल देते हैं। तो दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। सुबह उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें, सच्चे मन से शिव की आराधना करें। इस दिन शिव पार्वती दोनों की पूजा करें। शिवलिंग पर फल, फूल, दूध, दही, शहद, बिलपत्र इत्यादि अर्पित करें। इस दिन आप केवल एक बार भोजन ग्रहण करें। भोजन में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आप चूरमा बनाकर उसका भोजन करें। इस व्रत को पूरा दिन करना चाहिए। आप फलों का सेवन भी कर सकते हैं। इस व्रत को कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है। यह व्रत करने से भगवान भोले शंकर की अपार कृपा होती है। इस व्रत को पुत्र प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भगवान भोले शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं और मन चाहा फल देते हैं। कहते हैं माता पार्वती ने भोलेनाथ को अपने वर के रूप में पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक और पूरी निष्ठा से किया था, तभी उन्होंने भगवान भोले शंकर को अपने वर के रूप में प्राप्त किया। यह व्रत विधि पूर्वक करने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं।